शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। दूसरा है कि सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा कर। बाबा ने इसीलिए बच्चों को कहा, बच्चे स्व पुरुषार्थ और सेवा अंत घड़ी तक चलनी चाहिए। सेवा कर, सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना, क्योंकि ये पुण्य का खाता भी बहुत, जो हमने किया है वो पुण्य हमारा ही साथ में चलने वाला है। तो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता भी साथ में चलना है। सेवा जो किया है, तन मन धन जन संबंध संपर्क मनसा वाचा कर्मणा समय श्वास शक्ति, जिस भी तरीके से सेवा किया, वो सेवा हमारा पुण्य का खाता बढ़ाती है। कितने तरीके से सेवा कर सकते हैं, जितना सफल किया, समय श्वास शक्ति सफल किया, उतनी सफलता हमारे पुण्य के खाते में बढ़ती जाएगी, जमा होती जाएगी। क्यों ये सेवा भी करती है हमें, क्योंकि ये कहां काम आ रहा है? तो स्व पुरुषार्थ द्वारा जो प्रारब्ध का खाता है, सत्ययुग और त्रेता युग दो युग चलेगा। सत्ययुग और त्रेता युग के, सत्ययुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, 20 जन्म हमें चलाना है। तो स्व पुरुषार्थ द्वारा जो प्रारब्ध जमा किया, उसी से, इसलिए बाबा ने कई बार बच्चों को मंडली में कहा, जितना ज्ञान रतन यहाँ इकट्ठा के उतना वहां स्थूल रतन भी लेंगे। तो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता सत्ययुग और त्रेता युग में कहा है। वहां एक एक जन्म का स्टेटस फाइनल करेंगे स्व पुरुषार्थ द्वारा। इसीलिए प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने भी ये नहीं कहा बाबा के मन में कभी भी कि भाई मैं तो शिव बाबा का रथ हूं इसीलिए मुझे सहजता से मिल जाएगा। नहीं, बाबा ने भी एक एक बात का पुरुषार्थ किया और प्रैक्टिकल बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने। तो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता ये सत्ययुग और त्रेता युग में काम आ रहा है। और सेवा द्वारा जो पुण्य का खाता है वो द्वापर कलयुग में काम आएगा। 63 जन्म उस पुण्य के बेसिस पर हमें एक एक जन्म मिलेगा। इसीलिए बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि जो ये संस्कार यहां से धारण करेंगे हम सेवा करने का भी, तो द्वापर कलयुग में दान करके पुण्य कमाते हैं या सेवा करके पुण्य कमाते हैं। इसलिए कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो दुनिया में है वो सेवा के संस्कार यहां वाले हैं। जो यहां के सेवा के संस्कार है उसी से 63 जन्म उनके चलाया। जैसे बाबू कहते हैं कि कई बार कोई अगर हॉस्पिटल में दान करते हैं तो दूसरे जन्म में हेल्थ अच्छी मिलती है, एजुकेशन में दान करते हैं तो अच्छे दिमाग मिलता है। तो वो 63 जन्म जो चला उसी बेसिस पर चला, दान करके या कार्य करके करा। लेकिन जो सेवा करते हैं हम, ये कितने प्रकार से जो सेवा किया, तन मन धन समय स्वास्थ्य शक्ति मनसा वाचा कर्मणा, ये जितने भी तरीके से हमने सेवा किया या उसको सफल किया, वो संस्कार जब आत्मा ले जाती है तब वहां वो दान करके पुण्य कमा करके उस जन्म को चलाती है। इसीलिए ये सेवा करना भी आवश्यक है, क्योंकि यही बेसिस बन जाता है वो 63 जन्म। आप सोचो कि बाबा का ज्ञान देने से पहले का जन्म कैसा था? बाबा का ज्ञान मिला ये लास्ट बर्थ भी कैसा? दुनिया के आत्माओं के हिसाब से बहुत अच्छा था। इतनी अच्छी बुद्धि थी जो भगवान
कर दिया, परेशान हमने, इसीलिए तो बाप आपके पास आए। आज दुनिया की आत्माओं का चरित्र देखो कैसा है, तो लास्ट जन्म में भी इतना अच्छा चरित्र मिलना, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो ये यहाँ जमा किया हुआ है, वो 63 जन्म था है, 63 जन्म का लास्ट कलयुग का लास्ट जन्म का भी क्वालिटी इतना अच्छा है, भले धन नहीं होगा, भले चीज नहीं होगी, साधारण होंगे, लेकिन जीवन की क्वालिटी, विचारों की क्वालिटी तो अच्छी है। आज लोग डिप्रेशन में पड़े हैं दुनिया के अंदर, और बाबा के बच्चों को देखो कोई डिप्रेशन में है ना? तो लास्ट जन्म में विचारों की क्वालिटी इतनी अच्छी है हमारी, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो ये संगम युग में जो पुरुषार्थ किया है, तो पूरा 84 जन्म उठा है, इतना जमा करना है। तो 63 जन्म के जो पाप कर्म किए या विकर्म किए उसको चुप्पू भी करना है और जमा भी करना है 84 जन्म का। और अभी तक बुद्धि अगर बाहर मार्केट में भटक रही है तो कब करेंगे, सोचने की बात है।